हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज बर्थ वेट ऑफ इंडियन बेबी इज, यानी कि भारत में जो बच्चे होते हैं उनका जन्म के दौरान, ठीक है, जैसे बच्चा कोई जन्म लिया तो उसका एवरेज वेट कितना होता है, ठीक है, यानी बहुत सारे बच्चे जन्म लिए और उसमें एवरेज एक वेट कितना होगा। जैसे सभी 2.5 किलो के बच्चे पैदा हो रहे हैं, 3 किलो के, तो वो एवरेज वेट हुआ, एवरेज क्या है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है 2 kg, दूसरा ऑप्शन है 2.5 kg, तीसरा ऑप्शन है 3 kg और चौथा ऑप्शन है 3.5 kg। तो इसका राइट आंसर होगा 2.5 kg, यानी कि 2.5 किलो के बच्चे हो रहे हैं, इंडियन बेबी का एवरेज बर्थ वेट 2.5 kg है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर इज अ डिजीज ऑफ द, तो ग्वाइटर किस ग्लैंड की बीमारी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा किडनीज, दूसरा लीवर, तीसरा थायराइड, चौथा लंग्स। तो थायराइड ग्लैंड का बीमारी है ग्वाइटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑर्गन डैमेज्ड बाय अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, यानी अगर किसी की बीपी बढ़ी हुई है, यानी हाई ब्लड प्रेशर है, ऊंचे रक्तचाप जिसे कह सकते हैं, और वो भी अनकंट्रोल्ड है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सीरियस है, यानी वो कंट्रोल में नहीं है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के कारण हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रेन, दूसरा हार्ट, तीसरा किडनी। तो ये तीनों जो भी ग्लैंड हैं वो तीनों डैमेज होते हैं अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के कारण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है। पहला ऑप्शन है डेसिबल, दूसरा है हर्ट्ज, तीसरा ओम, चौथा है एम्पियर। तो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट याद रख लीजिए, हर्ट्ज होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर करेक्टिंग द फिब्रिलेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। यहाँ पे बताना है कि कौन सा डिवाइस कार्डियक मसल्स के फिब्रिलेशन को सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला है इकोकार्डियोग्राम, दूसरा है डिफिब्रिलेटर, तीसरा है हॉल्टर मॉनिटरिंग ईसीजी, चौथा है ऑडियोमीटर। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, डिफिब्रिलेटर। तो डिफिब्रिलेटर जो होता है वो CPR के टाइम, कार्डियोपुलमोनरी रिसुसिटेशन के टाइम भी यूज करते हैं, और ये मेनली हार्ट में अगर कुछ दिक्कत होती है, हार्ट पंप करना बंद कर दे, या फिर कार्डिक मसल्स का जो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे कि फिब्रिलेशन को ठीक करने के लिए हम लोग डिफिब्रिलेटर का यूज करेंगे, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड किया जाता है इस डिवाइस के थ्रू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेमी कंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नॉन एज, अगर सेमीकंडक्टर पूरा अपने प्योर फॉर्म में है तो वो किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक यानी खाली स्थान इज कॉल्ड अ सुसाइडल बैग इन द सेल, सेल में सुसाइडल बैग के नाम से कौन सा ऑर्गेनल जाना जाता है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लाइजोजोम, तीसरा राइबोसोम्स और चौथा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, लाइजोसोम्स जो है वो सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन सेशन था, वो एंड होता है। और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।